सकते हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई जा रही है और ना ही मास्क लगाया जा रहा है। जी हाँ, के न्यूज ने रियलिटी चेक करते हुए देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाकर देखा तो हालात बहुत ही खराब नजर आए। बिहार से लुधियाना जा रही निजी बस, जिसकी सीटिंग व्यवस्था करीब 50 सवारी की है और उसमें करीब 90 लोग सवार होकर जा रहे हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के काकोरी स्थित रेवरी टोल प्लाजा के पास बस रोककर ड्राइवर खड़ा हो जाता है और सभी यात्री बस के बाहर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब के न्यूज ने यात्री से पूछा तो उसने कहा उनके जिले में इतना कोरोना नहीं है और सभी बस के अंदर जा रहे हैं। ऐसे मामलों में तो पुलिस भी नजर नहीं आती। अगर कोई बाइक से अकेले जा रहा हो तो पुलिस उसे रोककर मास्क का चालान काटकर उसके हाथ में थमा देती है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई से बचती है। आखिर सरकार ऐसे बड़े हाईवे पर नजर क्यों नहीं रख रही? पूर्णिया जिला से आ रहे हैं, लुधियाना जा रहे हैं। लुधियाना जा रहे हैं, इसी बस में आप आए हैं? जी। कितने लोग होंगे इस बस में? इसमें लगभग 90 लोग। 90 लोग। कितनी सीट की व्यवस्था है इसमें? सीट तो 50 होंगे, स्लीपर 4-5 है। स्लीपर 4-5 है। आप लोगों को मास्क लगाने के लिए नहीं कहा गया? सर, मास्क लगा तो कहा गया है, लेकिन बस में तो कोई भी मास्क नहीं लगाया है, अधिकतर लोग नहीं लगाए हैं। हाँ सर। तो हम हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, जो देश का सबसे बड़ा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। के न्यूज की टीम यहाँ पर रियलिटी चेक करने पहुंची है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। के न्यूज की टीम ने देखा बिहार से एक बस लुधियाना के लिए जा रही होती है, जिसमें करीब 90 यात्री सवार होते हैं। यात्रियों द्वारा बताया गया कि इस बस में करीब 50 यात्रियों की बैठने की व्यवस्था है, इसमें 90 यात्री सवार होकर जा रहे होते हैं। कोई भी यात्री बगैर मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के, बस से उतर के सड़क पर खड़े हो जाते हैं और सामान खरीदने लगते हैं। क्या ऐसे में इन लोगों को कोरोना का डर नहीं है, या फिर ऐसे लोगों से कोरोना यहाँ नहीं फैलेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल नज़र आता है। आखिर पुलिस जब एक मास्क लगाकर बाइक वाला नहीं जा रहा होता है तो उसे मास्क का चालान काटकर हाथ में थमा देती है। अगर ऐसे निजी बस संचालक ऐसे बेधड़क यात्रियों को भरकर, कैपेसिटी से भी ज़्यादा यात्रियों को भरकर बस लेकर जा रहे हैं, वो भी देश के सबसे बड़े आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या पुलिस की इस कार्यशैली को सही माना जाए, या फिर शासन प्रशासन का इसमें कोई भी कार्रवाई न करना अपने आप में बड़ा सवाल नजर आता है। कैमरा पर्सन रिजवान के साथ शिवम पांडे, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।